हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से नई वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया है, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का एग्जाम, किसी प्रकार का इंटरव्यू यहाँ पर नहीं रखा गया है, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी आपको यहाँ पर अच्छी मिलने वाली है, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको इसकी PDF और भी जो एप्लीकेशंस आती है, जो भी नोटिफिकेशंस आती है, उनकी मैं जानकारी आपको वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो स्टार्ट होने वाला है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 4 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसलिए हम आपको बोलते हैं दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आउट की गई है दोस्तों, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर की गई है। एक साल के लिए आपको पहले रखा जाएगा, उसके बाद आपके जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट में यदि आपकी वैकेंसीज निकली है तो आपको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज प्रोवाइड की है और अलग अलग स्टेट से यहाँ पर वैकेंसीज को प्रोवाइड किया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो उन वीडियो को जाकर जरूर से देखिए। एलिजिबल रहते हैं तो अप्लाई जरूर से कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। पहली जो पोस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट फॉरमैन की है, जिसमें 112 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। 35,400 आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। नेक्स्ट जो है वो असिस्टेंट फिटर की वैकेंसी है, जिसमें 175 वैकेंसीज निकाली गई है। 17,693 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जिसमें 70 वैकेंसीज आउट की गई है। 17,693 आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है दिल्ली ट्रांसपोर्ट की तरफ से, ठीक है ना। आपका जो भी सिलेक्शन होगा, इन्होंने देखिए यहाँ पर पहले ही लिख दिया है कि जो भी सिलेक्शन होगा वो प्योरली मेरिट बेस्ड पर रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिग्री एलिजिबल रहने वाली है। देखिए, पहली जो वैकेंसीज निकाली गई है वो असिस्टेंट फॉरमैन की है, जिसमें 112 पोस्ट निकाली गई है। यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है ऑटोमोबाइल में या मेकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांग लिया गया है, तो यहाँ पर आप अप्लाई का जरूर सिखा रहे। जनरल कैटेगरी के लिए 58 वैकेंसी है, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 8 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 30 है। टोटल 112 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है। सैलरी आपको यहाँ पर 35,400 से स्टार्टिंग होने वाली है, जिसमें आपका ये बेसिक पे रहने वाला है और DA मिला के आपकी सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 46,000 से ज़्यादा सैलरी आपकी होने वाली है। एक जो वैकेंसी है उसमें असिस्टेंट फिटर के लिए वैकेंसी आउट की गई है। ITI वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिक डीजल या मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक ऑटोमोबाइल और फिटर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ पर अलग क्राइटेरिया है, जिसमें यदि आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है NCVT के साथ तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की 90 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, SC के लिए 26 वैकेंसी है, ST के लिए 13, OBC के लिए 46, ऐसे टोटल 175 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए। 17,693 सेल पर मिलने वाली है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए, अगेन इसमें ITI वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ऑटो, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। यदि आपने 3 साल का यहाँ पर किया हुआ अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड से NCVT के थ्रू, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल मैक्सिमम एज रखी गई है यहाँ पर। जनरल कैटेगरी 37 वैकेंसी है, SC के लिए 10, ST के लिए 5, OBC के लिए 18, टोटल 70 वैकेंसी से 17,693 सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप इस प्रकार आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आई थिंक दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेटेस्ट वीडियो को नहीं देखा है तो सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है दोस्तों, आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।